राधा रानी के सामने बिल्कुल हीरो बन के जाएंगे। तो गाइस दर्शन कर लिए और राधा रानी का आशीर्वाद भी मिल गया है माला के रूप में। तो हे गाइस, क्या हाल है आप सबके? आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो हर महीने की तरह एक बार फिर से मैं मनीष भैया, रचित और हर्ष हम सब आ गए हैं मथुरा। और अभी हम लोग राधा कुंड में जस्ट अभी स्नान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम हो रहा है अभी करीब 6:30। और भाई ये देखिए कुछ ऐसा नजारा है, ठीक है अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और हमारा ये टारगेट है कि हम सूर्योदय से पहले मतलब सूर्योदय तो हो जाएगा लेकिन हाँ यही है कि निकलते हम लोग राधा रानी के चरणों में पहुंच जाएं, मतलब बरसाने पहुंच जाएं। तो चलिए जल्दी से दर्शन करते हैं सामने मुखारविंद के और चलते हैं राधा रानी के चरणों में। ठीक है भाई, स्नान करके अलग ही फील है भाई, ये अलग ही वाइब है हर बार की। और इस बार तो पहली बार मैंने सूर्योदय से पहले किया है स्नान यहाँ पर, ठीक है कृष्ण कुंड और राधा कुंड में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। चलिए राधे 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 राधे, चलिए दर्शन करते हैं। ये देखिए ये है राधा कृष्ण के चरण और सामने है मुखारविंद, करते हैं दर्शन और दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम लोगों को बस मिल गई है और सीट भी मिल गई है बरसाने के लिए, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं सीधे मंदिर में आपको, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ गए बरसाने बस स्टैंड पर और अब जाएंगे मंदिर के दर्शन करने, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं, पान लगवा रहे हैं मनीष भैया, ये देखिए मोटा कर दिया, पान चढ़ाए जाते हैं राधा रानी को और मोटा कर दे। ये देखो ये छोटू से प्यारे से भाई है हमारे जो सबके तिलक लगा रहे हैं, मेरे भी लगाया है। नहीं अरे लगवा लो अपने तो लगवाएंगे। अब इस तिलक को क्या कहते हैं कोई पूछे क्या बताओगे? क्या अरे यार वैष्णव तिलक, क्या वैष्णव तिलक। हाँ और ये मनीष भैया बालों में पानी लगा के बढ़िया, कृष्णा से ज्यादा नहीं तो कृष्णा से कम भी नहीं लगने चाहिए भैया है। राधे 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 राधे। तो गाइस हम लोग हैं अभी मंदिर के नीचे और सामने ये दुकान है, यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद और यहीं पे हमने बैग वैग रख दिए है सामने। आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो ऐसी कोई दुकान देखिए, वहाँ पर अपना सामान रखिए और वहाँ से प्रसाद लीजिए और ऊपर जाइए। मनीष भैया का बैग हो गया। हाँ मनीष भैया का बैग, अभी पान वाली दुकान दिखाई थी वहीं पर उन्होंने रखा और भूला है, तो गए वो अपना बैग देखने, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मनीष भैया आते हैं तब जाते हैं ऊपर, आप कराते हैं दर्शन, ठीक है। अरे मनीष भैया का बैग मिल गया, ये देखो देखा मुझे एक याद आ गई भैया एकदम, सब लोग भूले के बैग कहाँ गया, मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा शायद रखा था वहाँ पर जहाँ पर पान लिए थे। चलो बैग मिल गया, अब ये ले लिया प्रसाद और चलते हैं ऊपर। तो गाइस चल दिए हैं मंदिर की ओर और ये देखिए सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई है, करीब 200 से 250 सीढ़ियाँ हैं आई थिंक मंदिर तक वो चढ़नी है, उसके बाद आएगा दरबार राधा रानी का, तो जब आएगा तब आपको दिखाते हैं। चलिए राधे 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 भैया राधे। मनी भैया बूढ़े हो गए भैया, बूढ़े मान लो बूढ़े हो गए भाई। हम लोग आ चुके हैं जस्ट मंदिर के नीचे, ये देखिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़ के राधा रानी का दरबार आ जाएगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते सबकी हालत खराब हो गई, पता नहीं क्यों इतना थक गए। मनीष भैया ठीक हो? सी राधे सी राधे राधे। आओ राधे, फिर राधे राधे करते हुए चलते हैं ऊपर और करते हैं राधा रानी के दर्शन। अंदर शायद आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कैमरा इतना अलाउड नहीं है, अगर थोड़ा बहुत मिलेगा मौका तो दिखा दूंगा, वरना कोई बात नहीं, यहीं से देखिए और मजे लीजिए। राधे राधे। अरे मनीष भैया घर से प्रसाद बनवा के लाए थे, अभी राधा रानी को चढ़वाया है और ये बच्ची से स्टार्ट कर रहे हैं। राधे राधे। तो गाइस दर्शन कर लिए और राधा रानी का आशीर्वाद भी मिल गया है माला के रूप में, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने देखिए राधा रानी कितनी ही प्यारी लग रही है, मतलब सारा मतलब इतना सुकून है ना यार यहाँ पर, क्या बताऊँ जितनी बार आता हूँ। हाँ जी अंकल चेंज बिल्कुल नहीं है, तेरी तरक्की करिए राज चेंज ले ले ऐसा बोला। तो भाई चलिए दर्शन हो गए और अब जा रहे हैं नीचे, कुछ खाएंगे पिएंगे और जाएंगे फिर बिहारी जी और आपको दिखाते हैं। जय हो श्री राधे, बहुत जल्द आएंगे, चलिए चलते हैं। तो गाइस पिछले 2.5 घंटों से हम कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है बरसाने से वृंदावन आने में हमें 2.5 घंटा लग गया, सारी हालत खराब हो गई भाई, हर तरीके से सो के देख लिया
हर तरीके से जग के देख लिया, गाने सुन के देख लिए, बाहर देख लिया, मतलब क्या क्या, मतलब जो जो भी पॉसिबिलिटीज थी ना सब करके देख ली। फिर भी मैं टाइम पास नहीं हो रहा था भाई, मतलब मैं कभी रास्ते में सोता नहीं हूँ जल्दी, और इसमें इतना भयानक सोया हूँ, सब कुछ किया है। फाइनली हम लोग वृंदावन में हैं अब, ये देखिए, ठीक है कभी भी आ जाओ भाई, ये तो बहुत खूबसूरत ही लगता है हमेशा की तरह। तो चलिए अब कुछ खाएंगे, वहाँ पर हमने खाली लस्सी पी थी बरसाने में, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि 12:30 तक यहाँ पर पट खुले रहते हैं, हमने सोचा था दर्शन मिल जाएंगे, बट लेट हो गए, करीब 1:30 बज रहा है और दर्शन अब मिलेंगे नहीं, अब तो 4 बजे खुलेंगे, तब तक टाइम पास करना ही है। चलिए पहले कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर करेंगे दर्शन, बाय। तो गाइस लगभग 4:30 हो गए हैं और बिहारी जी के पट खुलने का भी टाइम हो गया है, तो हम लोग जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने, और जितना हो सकेगा आपको दिखाऊंगा, बाकी हम लोग तो दर्शन करेंगे ही करेंगे। चलिए चलते हैं, हरे कृष्णा। तो भाई ये देखिए भीड़, शाम के टाइम भी भाई, बाहर के लोग कह रहे थे कि मतलब इस टाइम इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन भाई यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ दिख रही है दूर दूर तक। चलिए चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन। तो ये शायद अभी पट खुले नहीं है इसलिए सारी भीड़ दिखी, रोक रखी है, क्यों ये भीड़ क्यों रुकी हुई है? अच्छा अच्छा, मतलब एक लिमिट आई थिंक सेट कर दी है कि उतने ही मतलब भक्त जाएंगे अंदर, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके भेजा जा रहा है। चलिए अपनी बारी का वेट करते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो फाइनली हम हैं मंदिर के जस्ट नीचे, और ये देखिए भाई भीड़, चलिए चलते हैं अंदर। और टोपी किसी के लिए बैठा हुआ है, ये हर बार की बात है, मतलब बंदर कभी किसी का चश्मा, कभी किसी की टोपी, और हर बार मिलता किसी ना किसी को, कुछ ना कुछ ले आता हुआ। खैर दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं और प्रसाद भी मिल गया, बहुत पास से दर्शन किए इस बार, पिछले 2 बार से जब भी आए थे तो इतने पास से दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। चलिए यार चलते हैं, आराम से बात करते हैं।